हेलो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज क्लास 12th मैथ्स एन सी आर टी ऑफ एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 30, राइट। इंटीग्रेशन करना है इसमें और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन, राइट। ना भी करना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो ये नहीं कहकर आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना है, राइट। यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेट ओनली। तो कैसे करेंगे, देखिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में लिखा है 2 + 3x³⁻³ और यहाँ पर x²। अगर डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को t एज्यूम कर लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, कांस्टेंट पार्ट छोड़ दें, x³ का डेरिवेटिव x² बनेगा, ये हमें पता है और ये न्यूमरेटर पर लिखा है, राइट। दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर को आसानी से t लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट 2 + 3x³ = t, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 9x² dx = dt, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x² dx = dt/9, राइट। नाउ रिप्लेस द वैल्यू, सो इन प्लेस ऑफ x² dx वी कैन पुट dt/9 एंड इन प्लेस ऑफ 2 + 3x³ वी पुट t³, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट i = 1/9 t⁻³ - 3 dt, 1/9 t⁻³ - 3 + 1/-2 + 6, so finally we'll get -1/18 t⁻²-2 + c, that means -1/18 t² + c. Now replace the value of t. So what we get, 18 times of 2 + 3x³² + c. So this is your answer, right? Hopefully ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।